नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी जी की एक कहानी, दाल का तड़का। चलिए दाल का तड़का सुनते हैं। मैं पदोन्नति के बाद एक छोटे से कस्बे में जा पहुंचा था, जहां हिंदी फिल्मों वाला कस्बे का परिवेश मेल नहीं खाता था। न वहां अपने पायलों की झनकार बजाती गांव की गोरियां थी और ना ही बहुचर्चित फिल्म शोले के जैसे रसूख वाले कोई ठाकुर साहब थे। हाँ, इतना अवश्य था, एक छोटा सा बस स्टैंड और दो चार चाय समोसे बेचने वाले होटल थे, कुछ पान ठेले वाले भी थे, गुमटी लगाए नाई यानी हजाम की दुकानें थी। मैं वहाँ हाल ही में उन्नत हायर सेकेंडरी विद्यालय का प्राचार्य बनकर पहुँचा था। उस छोटे से कस्बे में विद्यालय की नव निर्मित इमारत ठीक वैसे ही सुशोभित हो रही थी जैसे कवि सुरेंद्र शर्मा जी के शब्दों में कहा जाए तो खटारा के बीच मारुति जैसे लागे है। विद्यालय का समस्त स्टाफ राज्य परिवहन की बस के साथ ही आता और बस के साथ ही लौट जाता। ये बात मेरी समझ से परे थी कि एकमात्र बस सर्विस की सेटिंग स्टाफ के साथ थी, अथवा स्टाफ ही बस के आवक जावक से सेट हो गया था। मेरी मजबूरी थी, मुझे कस्बे से ही अभिन्न अंग बनकर रहना था, जिसका मुख्य कारण मेरे परिवार से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी थी। कस्बे में पहुंचते ही दावा नल की तरह खबर फैल गई, प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। विगत कई वर्षों से विद्यालय दत्तक पुत्रों यानी प्रभारियों के सहारे ही फल फूल रहा था, संभवतः इसीलिए मेरी पूछ परख कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंतित कोई था तो वो निश्चित ही मेरा विद्यालय परिवार था। उन्होंने घंटे भर में ही एक रिटायर्ड फौजी के घर में रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। एक छोटे से गांव में दो चार ही पक्के मकान थे और वह भी मैं इन्वर्टर। अब सबसे मिलने के बाद मेरी मुलाकात अपने मकान मालिक से हुई। वो हर समय अपनी दुनाली राइफल रखने में अपनी शान समझते और अपनी गौरव गाथाओं के अंतहीन किस्से गाहे बगाहे सभी को सुनाया करते। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी भी आती जब रात में दिन का कोलाहल सो जाता और रात का सन्नाटा जाग जाता, तब खुली छत पर वो देर रात तक मुझ एकमात्र श्रोता को अपनी वीरता के किस्से सुनाते रहते। इन्हीं किस्सों में एक किस्सा उनकी धर्मपत्नी का भी होता, विशेषकर जब हम खाना खाने बैठते। वे अपनी पत्नी की पाक कला के जबरदस्त प्रशंसक थे। वास्तव में चूल्हे की मध्यम आंच में जब करारी रोटियां घर से बने घी में डुबोकर परोसी जाती तो पल भर के लिए मैं अपने परिवार से दूर रहने का असह्य दुख भी भूल जाता। उस दिन भी दोपहर का समय था और विद्यालय में निरीक्षण पर संभागीय मुख्यालय से दो अधिकारी भी आए थे। मैंने संकोच करते हुए मकान मालिक से पूछवाया था, क्या हमारे अधिकारियों के लिए भी भोजन का प्रबंध हो पाएगा? मैंने केवल जानना चाहा था, लेकिन वे इतने आनंदित थे कि स्वयं विद्यालय आ विराजे और मुझे एकांत में बुलाकर भोजन का मेनू भी बयां कर दिया। आप कतई सोच संकोच मत करो जी, आज ही घर में मत के मक्खन निकला है और खेतों से हरी मटर भी टूटकर आई है। आज हमारे घर की तड़के वाली दाल आलू मटर की तरकारी संग जब साहब लोग देसी घी लगी रोटियां खाएंगे तब देखियो साहब कैसे आनंद आएगो। उसने पुनश्च जोड़ा था, साहब
हमारी बिन्नू की माँ का दाल का तड़का जब लगता है तो पड़ोस तक उसकी हींग जीरे की बघार की खुशबू फैल जाती है। उस दिन वास्तव में भाभी जी ने अपनी सादगीपूर्ण आतिथ्य सत्कार से सभी का मन जीत लिया। महानगर में रहने वाले लोगों के लिए यह सात्विक भोजन किसी 56 भोग से कम नहीं था। भाभी जी अपने लंबे घूंघट की आड़ से ही अपने नौकर द्वारा भोजन परोसवा रही थी। आज हमारी फौजी भाई साहब भी प्रसन्नता से भोजन करवाने में महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे। सहसा हमारे रिटायर्ड फौजी साहब का हाथ एकाएक अपनी दुनाली बंदूक पर चला गया था और उन्हें हमारे सामने ही रोष में पूछा था, काय बिन्नू की माँ आज दाल में तड़का नहीं लगाया क्या? अंदर से आवाज है, हमने तो लगाया था जी, आप खुद ही देख लो। नहीं नहीं, ये तड़का वैसा नहीं है जैसा बिन्नू की माँ तुम लगाया करती थी। मैंने भी बचाव करते हुए कुछ कहना चाहा था, बल्कि मेरे दोनों अधिकारी भी सात्विक भोजन से आकंठ तृप्त हो चले थे और उन्होंने भी कहा, फौजी भाई सचमुच भोजन बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन वह अब अपनी मर्यादा का बंधन तोड़ सीधे रसोई घर में जा पहुँचे थे। दाल का निरीक्षण किया, उसमें तड़का होने का स्पष्ट प्रमाण था, लेकिन उसने आखिरकार ढूंढ ही लिया कि तड़के वाली दाल में किस तत्व की कमी थी। पत्नी ने अस्फुट शब्दों में स्वीकार किया, हाँ जी घर में ना जीरा बहुत थोड़ा सा था, हमने जितना भी था ना सब डाल दिया जब दाल में तड़का लगाया। अब तो हमारे ही सामने वो किसी फनफनाते नाक की तरह घर से निकल गए और यह भी शंखनाद कर गए कि अब घर में तब्बे रोटी खाएंगे जब जीरा लेकर आएंगे। मनपसंद भोजन की दीवानगी की मैंने कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन आतिथ्य सत्कार के सर्वस्व त्याग की कहानियां भी आज इस प्रसंग के आगे फीकी पड़ गई। मैं इस तरह का वाक्या पहली बार चश्मदीद गवाह बनकर देख रहा था। अंदर से पत्नी का हृदय ग्राही विलाप मेरे संवेदनशील मन को झकझोरने के लिए काफ़ी था। खैर जैसे तैसे अधिकारियों से विदाई हुई। विद्यालय से लौटने पर पता चला अभी तक हमारे फौजी साहब घर नहीं लौटे। मुझे भी चिंता हुई, आखिर भाई साहब गए कहाँ? अपने गांव के ही 2-4 छात्रों के साथ ढूंढने निकल पड़ा। गांव था ही कितना बड़ा, थोड़ी देर में सारे गांव की छानबीन कर डाली। इस छानबीन से पता चला साहू किराने वाले की दुकान पर वो आए थे और जीरा खरीदना चाहते थे, लेकिन वो जितना चाहते थे उतना था ही नहीं, इसलिए शाम वाली बस में बैठकर शायद समीप के तहसील में गए होंगे। अब निरुपाय बैठने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैं भी उस घड़ी को कोस रहा था कि नाहक ही अतिथियों के भोजन का निवेदन कर दिया। वह बेचारी अन्नपूर्णा देवी जैसी भाभी आज मेरी वजह से इतनी अपमानित हुई और भलमन साहब के कारण बेचारे फौजी साहब जाने कहाँ चल दिए। राम राम करके रात आँखों में गुजरी। सुबह भी अभी ठीक से नहीं हुई थी कि एक मैटाडोर वाहन की आवाज़ से मैं ही क्या बल्कि पूरा पास पड़ोस ही जाग गया। बाहर आकर देखा तो लोडर वाहन से एक बड़ी बोरी उतारी जा रही थी और वह बोरी हवेली के अंदर पहुँचाई गई। वाहन चालक को उन्होंने भोजन करके ही जाने का निवेदन किया। मुझे देखते ही चिर परिचित मुस्कान चेहरे पर आविराजी। अब वो अंदर की ओर बड़ी प्रसन्नता भरे स्वर में कह रहे थे, बिन्नू की माँ कल हम नाहक ही तुम पर क्रोध कर बैठे, जब पूरे गांव में ही जीरा नहीं था तो भला तुम तत्काल कहाँ से मंगवाती, इसलिए कल ही तहसील की हाट से जीरा लाने चल दिए। हम बहुत दिन से अपनी रामश्री बुआ से मिले भी नहीं थे सो उनके घर में ही रात को रुक गए। अब आज फिर से बनाओ तड़के वाली दाल और हाँ जीरा आप कंजूसी से मत डालना,
पूरे 50 किलो जीरा मोल लाया हूँ। उनकी उद्घोषणा मात्र से एकाएक घूंघट में कैद रहने वाला मुखड़ा पल भर में ही घूंघट का बंधन भूल खुला रह गया था और हम सब हक्के बक्के होकर फौजी के असीम आनंद भरे चेहरे को देख रहे थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में डॉक्टर प्रतिभा देवी की लिखी रचना, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।